और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला पहुंचते हुए, जी श्रीनिवास दिखाइए तस्वीरें। का काफिला यहां पर पहुंच चुका है रोमाना, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री का काफिला अब जल्दी हल्ली क्रॉसिंग पे पहुंच चुका है। ये देखिए तमाम सुरक्षा की गाड़ियां और उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी अब यहां आते हुए, सड़क के किनारे खड़े लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देखिए गाड़ियों का काफिला बिल्कुल बिल्कुल धीमी गति से यहां से गुजरता हुआ, और ये देखिए ठीक हमारे पीछे हमारे स्क्रीन पे ये प्रधानमंत्री मोदी खुद गाड़ी के बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन करते हुए ये तमाम तस्वीरें जल्दी हल्ली क्रॉसिंग पे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पे कुछ धीमा हो जाएगा, देखिए ठीक हमारे सामने कैमरे पे ये प्रधानमंत्री की तस्वीर, चलती गाड़ी से प्रधानमंत्री बाहर और हाथ हिलाते हुए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा किया जा रहा है और ये तमाम लोग यहाँ से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। देखिए आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ बिल्कुल धीरे धीरे यहाँ से गुजरता हुआ, और तकरीबन ये 500 मीटर की दूरी होगी यहाँ तक प्रधानमंत्री का ऐसे रोमाना। ये तस्वीर रोमांचित करने वाली, चारों तरफ और भारत माता प्रधान उन तमाम वैज्ञानिक तो देख रहे हैं आप किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर की तरफ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाते हुए, और लोग जो हैं वो फूलों के साथ पीएम का इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा करते हुए, और इस वक्त ये गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ता हुआ जल्ली हल्ली क्रॉसिंग से, और अब यहीं से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो कमांड सेंटर पहुंचेंगे, इसरो कमांड सेंटर जहां पर वो वैज्ञानिक मौजूद हैं जिनकी देखरेख में मून मिशन ने इतिहास रचा है, सफलता हासिल की है। तो सीधे इसरो कमांड सेंटर जहां पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं जल्ली हल्ली क्रॉसिंग से ये सीधी तस्वीरें, वहीं से इस वक्त पीएम का काफिला गुजर रहा है। बेंगलुरु पहुंचने के बाद, हॉल एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कह दिया गया जय जवान जय किसान, लेकिन अब जरूरी है जय विज्ञान जय अनुसंधान भी। ये वो नया नारा जो पीएम की तरफ से दिया गया, और पीएम ने यह भी कहा कि कैसे वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे, देश लौटेंगे तो सबसे पहले बेंगलुरु आएंगे, वैज्ञानिकों को नमन करेंगे, और उसी हिसाब से सीधे बेंगलुरु पहुंचकर अब वैज्ञानिकों से मिलने के लिए इसरो कमांड सेंटर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश ने जब इतिहास रचा था 23 अगस्त को मून मिशन सफलतापूर्वक जब चांद की सतह पर लैंडर विक्रम पहुंचा था, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समिट में शिरकत करने के लिए गए हुए थे, वहां जोहान्सबर्ग से सॉफ्ट लैंडिंग का लाइव प्रसारण देखा था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो देश ने सुना था, फिर इसरो चेयरमैन को बाकायदा फोन करके पीएम की तरफ से कह दिया गया था कि मैं जल्दी टीम से मिलने आऊंगा, और पीएम ने आज बताया बेंगलुरु में लोगों को कि तभी उन्होंने ठान लिया था, वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे कि जैसे ही देश लौटेंगे तो सबसे पहले बेंगलुरु आएंगे, वैज्ञानिकों को नमन करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, और उसी के हिसाब से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, और ये जश्न ये पर्व जो मिशन मून की सफलता का बनाया जा रहा है, जो जोश जज्बा जुनून लोगों का हाई है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं खुद बधाई देने के लिए देश के वैज्ञानिकों को। यह विज्ञान को सेलिब्रेट करने का दिन है, यह वैज्ञानिकों को सेलिब्रेट करने का दिन है, यह हिंदुस्तान की कामयाबी को सेलिब्रेट करने का दिन है, यह इसरो की उस कामयाबी को सेलिब्रेट करने का दिन है जब अपने दम पर इसरो ने यह इतिहास रचा, चांद पर पहुंचा, भारत का चांद पर उदय हुआ, दुनिया देख रही है हिंदुस्तान का दम, और इसी हिंदुस्तान के दम को जो वैज्ञानिकों के बूते पर हमने हासिल किया है उसी को नमन करने के लिए 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों को नमन करने के लिए इसरो पहुंचने वाले हैं। ये दो कैमरों से अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय बेंगलुरु पहुंचे और अब इसरो कमांड सेंटर की तरफ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का काफिला। श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, ये पॉइंट जल्ली हल्ली क्रॉसिंग वाला जहां से अब से कुछ देर पहले गाड़ियों का काफिला गुजरा है, आप बता रहे हैं कि यहां से ज्यादा फासला नहीं है इसरो कमांड सेंटर का, जहां पर वैज्ञानिक पहले से ही मौजूद हैं और पीएम का इंतजार कर रहे हैं?
रोमाना बमुश्किल यहाँ से इसरो कमांड सेंटर की का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हो सकता है ये तस्वीरें आपके सामने हमारे दूसरे कैमरे से आने भी लगी होगी कि प्रधानमंत्री इसरो कमांड सेंटर पहुँच चुके हैं। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी है और यहाँ पे प्रधानमंत्री तकरीबन एक घंटे का वक्त बिताएंगे। जैसा प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि थोड़ा विलंब हो गया हमें यहाँ पहुँचने में, 7:05 पर जो कल जानकारी आई थी उसके हिसाब से 7:05 पर प्रधानमंत्री को यहाँ पहुँचना था और ठीक 8:05 पर उन्हें यहाँ से प्रस्थान करना था, लेकिन कार्यक्रम में तकरीबन 15 से 20 मिनट का आप कह सकते हैं कि विलंब हुआ है। तो तकरीबन एक घंटे का वक्त यहाँ वो वैज्ञानिकों के साथ बिताएंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्हें तमाम वैज्ञानिकों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और फिर उनको अप्रिसिएट करते हुए, उनका उत्साह वर्धन करते हुए वो यहाँ से दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। और तकरीबन पहले जो बताया गया था 11:35 पर दिल्ली में प्रधानमंत्री का विमान लैंड करना था, तो हो सकता है 15-20 मिनट के विलंब के कारण अब 12 के आसपास प्रधानमंत्री दिल्ली पहुँचेंगे, लेकिन फिलहाल वो अभी इसरो सेंटर में मौजूद हैं, इसरो सेंटर पहुंच चुके हैं। और मैं बता दूं कि बंगलोर में इसरो के ऐसे 5 सेंटर हैं, लेकिन जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं ये वो सेंटर है जहां से लगातार चंद्रयान के ऊपर नज़र रखी जा रही है, और आज नहीं उस दिन से नज़र रखी जा रही है जिस दिन चंद्रयान 14 जुलाई को 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चांद के लिए रवाना हुआ था। तो वहीं पे तमाम वैज्ञानिक मौजूद हैं और उसी कमांड सेंटर में खुद अभी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचकर वहां लोगों से बातचीत करेंगे, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री कमांड सेंटर में ये भी देखें कि इस वक्त हमारा प्रज्ञान और विक्रम वो क्या कर रहा है, क्योंकि हर बिल्कुल बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपडेट भी दिया जाए कि अभी तक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान उनसे क्या कुछ जानकारियां यहां इसरो के कमांड सेंटर तक पहुंच पाई हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।